एक तरफ जहां प्रदेश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर भोपाल के हमीदिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर सांकेतिक हड़ताल पर अड़ गए हैं। इस दौरान अस्पताल के परिसर में डॉक्टरों ने ओपीडी लगाई और जूनियर डॉक्टरों ने मरीजों को देखा। अपनी मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सांकेतिक हड़ताल की शुरुआत कर दी है। जूढ़ा ने बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए मरीजों के हित में हड़ताल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सरकार मरीजों के साथ ही डॉक्टरों की सुरक्षा और सुविधा के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है। इसे लेकर हमें विरोध स्वरूप सांकेतिक हड़ताल का कदम उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा 12 अप्रैल तक हड़ताल जारी रहेगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारण से बात होगी, लेकिन सहमति नहीं बनने पर 13 अप्रैल से इमरजेंसी सेवा और कोविड मरीजों का इलाज बंद कर दिया जाएगा और उसकी जवाबदारी सरकार की होगी। डॉक्टरों का कहना है कि पिछले साल मुख्यमंत्री ने कोरोना वॉरियर को 10,000 रुपए प्रतिमाह सम्मान निधि देने का वादा किया था। एक साल बाद भी कोरोना वॉरियर को राशि नहीं मिली है। इसके साथ ही डॉक्टरों ने सरकार के सामने कई और मांगे भी रखी हैं। कि हमने पहले भी अपने प्रशासनिक लेवल पे और मंत्री जी को अपनी मांगे बताई थी कि हमारी मांगे जो हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि कोरोना काल में हमने पिछले एक साल में इतना दिल लगा के काम किया, मरीजों की सेवा की और सारी चीज़ों को हमने कोशिश किया कि कहीं भी किसी को भी दिक्कत ना आए, मगर उसके बाद भी सरकार ने हम पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। हमारे 3 साल के कार्यकाल में एक साल हमारा इसी कोरोना में निकल गया और अगला भी एक साल इसमें ही जाता हुआ दिख रहा है। हमारी एकेडमिक इसमें लॉस हो रही है, हमारी पढ़ाई अफेक्ट हो रही है और हमारा सीखना कम हो पा रहा है। यहाँ पर हम किसी भी एक स्पेशलिटी में सीखने और पढ़ने आते हैं, मगर हमें यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोविड में स्पेशलिटी कर रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।